हाँ तो फ्रेंड्स, ये है मेरा चाइनीज मनी प्लांट। और आप देख रहे होंगे इसकी न्यू ग्रोथ। ये बहुत मुश्किल से मैंने इसके साथ बहुत स्ट्रगल की है, इस प्लांट के साथ हमेशा। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने न्यू लीव्स भी निकाले हैं और पुराने लीव्स ख़राब भी नहीं किए। उसकी वजह ये है कि इसको मैंने कवर करके रखा हुआ है और अभी अभी मैंने इसको दिया है पानी। और फिर मेरा ख्याल है कि उन्हें आपके साथ शेयर करूँ। और साथ मैंने दिया है ड्राई टी बैग, यानी चाय की पत्ती जो हम यूज़ कर चुके होते हैं, उसके टी बैग्स पड़े थे मेरे पास काफ़ी सारे, जो कि मैं धो के रख लेती थी ताकि मैं अपने प्लांट्स को दे सकूँ। तो फिर मैंने ये जो है पेपरोमिया, इसको दिया है ये टी बैग, इस पर पाउडर डाल के। तो मैंने इसके पॉट में पानी डाल दिया ताकि ये पानी सक कर ले, और फिर जितना पानी से चाहिए उतना पानी से मिल जाएगा। तो मैंने अभी अभी दिया है अपने प्लांट्स को पानी और टी बैग्स, चाय पत्ती। उसके अलावा मैंने इन प्लांट्स को भी दी है इसी तरह। मैंने उसे पानी में डिप कर दिया, उसमें थोड़ी सी फटकरी डाल के पानी को शेक किया और उस फटकरी में मैंने इसको रख दिया है। और साथ में मैंने ऊपर से इनको टी बैग्स भी डाल दिए। अब ये धीरे 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 पानी सब करते जाएंगे और इनको पानी मिल जाए, क्योंकि इनको पानी में, इनको ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग हो जाए, ये जो कीरी हो या कीरी है ना, हार्ड लीफ जो है, तो ये ना अपना बहुत ज़्यादा जल्दी रूट रोट हो जाता है और सारे लीव्स जो उनसे इसके ख़राब हो जाते हैं। और इसके साथ ये भी होया का ये एक प्लांट है, तो इसको भी मैंने साथ ही रख दिया है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं एहतियात से इनके साथ वक्त गुजार रही हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसमें माशाल्लाह ये नई ग्रोथ निकली है मेरे घर में, ये वाली, और ये लीफ भी मेरे घर में निकली, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी गर्मी कम थी तो आउटडोर में ही रखा हुआ था, यानी शेड में। तो अब इसमें नई ग्रोथ भी निकली। अब गर्मी ज़्यादा हुई तो मैं इसे अंदर ले आई हूँ और ऐसी जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इधर इसको हैंग किया हुआ है, अभी तो मैंने उतारा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छी सी सुबह की ब्राइट लाइट आती है इस पे, जैसे ये दरख्त पे भी आ रही है, तो ये बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ये छोटी सी टिप है आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है कि मैं इसको ग्रो लाइट के नीचे रखा हुआ है। दूसरा, मैंने इसको कवर किया हुआ है, उनको मैंने विंडो के सामने बिल्कुल ब्राइट लाइट के आगे रखा हुआ है। तो पानी भी मैं बहुत एहतियात से इनको दे रही हूँ। और फटकरी मैंने इसलिए डाली, आप सोच रहे होंगे फटकरी क्यों डाली, बहुत थोड़ी सी फटकरी मैंने डाली है, बिल्कुल छोटा सा एक पीस, तो इसलिए डाला है कि वो एंटी फंगस होता है और अगर इनको पानी के डालते ही फंगस हो जाता है तो वो फंगस से बचाएगी। और इसलिए मैं वो अपने प्लांट्स को दिया। छोटी सी ये टिप है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी किया करें। और दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।